हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेंडलाइन स्टॉक्स। और आज है 11 जून 2020 और आज के इस वीडियो में मैं लेके आऊं आप लोगों के लिए इंडसइंड बैंक के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप न्यूज कह सकते हैं या फिर उसके अंदर इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, जो चाहे। देखिए, इंडसइंड बैंक ने पिछले एक हफ्ते के अंदर 29% की तेजी दिखाई है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त रुझान ट्रेडर्स का और इन्वेस्टर्स का बनता हुआ दिखाई दे रहा है इंडसइंड बैंक के अंदर। वो तेजी है क्यों और क्या वो तेजी बरकरार रहेगी या नहीं रह पाएगी, वही सारी डिस्कशन मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ में करने जा रहा हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके पीछे की जो खबर है वो काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है आप लोगों के लिए भी। और आज के टाइम में इंडसइंड बैंक को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी क्रिएट किया जा रहा है मार्केट के अंदर, कि कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके अभी रख सकते हैं क्योंकि आने वाले टाइम में ये वापस से अपने 52 वीक्स के ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आएगा और काफी लोग इसके ऊपर सेल की भी रेटिंग्स दे रहे हैं। तो एक कंफ्यूजन का माहौल है जिसके बारे में मैंने यहां पर काफी डीपली इस वीडियो के अंदर बताया, तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा और तभी आपको समझ में आएगा कि इंडसइंड बैंक में एक्चुअली में आखिर चल क्या रहा है। तो चलिए शुरू करता हूं, बताता हूं सबसे पहले इंडसइंड बैंक में आखिर हो क्या रहा है जिसकी वजह से इतनी जबरदस्त तेजी हमें पिछले एक हफ्ते में देखने को मिली है। देखिए, इंडसइंड बैंक एक हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है, जैसे कि आप जानते हैं हिंदुजा ग्रुप जो अशोक लेलैंड को भी ओन करता है, उसी ग्रुप का इंडसइंड बैंक है। और जब से अगर आपने सुना हो कि कोटक महिंद्रा बैंक, जो कि एक हिंदुस्तान का काफी बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जिसके ओनर यानी प्रमोटर मिस्टर उदय कोटक को स्पेशल केस कंसीडर करते हुए आरबीआई ने इजाजत दी है कि वो अपना स्टेक बढ़ाकर 26% तक कर सकते हैं। देखिए, आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कोई भी प्रमोटर बैंक के अंदर अपना स्टेक केवल 15% ही रख सकता है और ये स्टेक अगर ज्यादा होता है तो विद इन 15 ईयर्स, जब से बैंक शुरू हुआ है 15 साल के अंदर अंदर, शुरुआत से 15 साल के अंदर अंदर उसको अपने स्टेक को घटाकर 15% या उससे कम पे लाना पड़ता है, जिसकी वजह से आज की तारीख में इंडसइंड बैंक के जो प्रमोटर्स हैं, जो मालिकाना हक रखते हैं, हिंदुजा ब्रदर्स जिनको कहा जाता है, उनका जो टोटल स्टेक है वो है 14.68%, क्योंकि 1994 में बैंक की शुरुआत हुई थी और उसके 15 सालों के अंदर अंदर उनको स्टेक घटाना था, तो उन्होंने स्टेक घटाकर 14.68% पर वो अपना स्टेक ले आए थे। अब हिंदुजा ब्रदर्स ने एक दिलचस्पी जताई है आरबीआई को कि जैसे कोटक महिंद्रा बैंक को स्पेशल केस कंसीडर करते हुए 26% तक का स्टेक रखने की अनुमति मिली है, परमिशन मिली है, वैसे ही इनको भी परमिशन दी जाए। इसकी वजह से, इसके चलते स्टॉक ने एक सेंटिमेंटली राइज यहां पर दिखाया है हमें। इसके अलावा कंपनी के अंदर, इंडसइंड बैंक के अंदर कोई भी टेक्निकली या फंडामेंटली चेंजेस नहीं आए हैं। ध्यान दीजिएगा, सेंटिमेंटली यहां पर राइज देखने को मिला है केवल खबर के चलते। तो आज के टाइम पर देखिए, मार्केट्स जो है वैसे ही बहुत ज्यादा स्पेक्युलेटिव हो चुके हैं, टेक्निकल्स फेल हो रहे हैं, फंडामेंटल्स फेल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोविड के चलते इतना जो सबसे ज्यादा एक अनसर्टेनिटी का माहौल बाजार के अंदर क्रिएट हुआ हुआ है, वहां पर एक छोटी से छोटी खबर भी किसी भी स्टॉक के अंदर या सेक्टर के अंदर बूस्ट ला देती है या फिर उसको बिल्कुल प्लंज कर देती है नीचे की तरफ। इसी खबर के चलते यहां पर हमें राइज देखने को मिला कि एक हफ्ते के अंदर ही इंडसइंड बैंक ने 29% की हमें यहां पर तेजी दिखाई है। लेकिन मैं आपको यहां पर एक और चीज इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, हिंदुजा ब्रदर्स की जो यहां पर स्टेक है 14.68% जो टोटल प्रमोटर्स होल्डिंग है इंडसइंड बैंक में, उसका 26% से भी ज्यादा हिस्सा गिरवी रखा हुआ है, यानी कि प्लेज रखा हुआ है। तो लोगों की यहां पर देखिए, इस स्टॉक के अंदर काफी जबरदस्त पिटाई हुई है पिछले एक साल से। अगर मैं बताऊं तो 2019 से काफी जबरदस्त पिटाई यहां पर देखने को मिली है इस स्टॉक के अंदर, और वो इसीलिए क्योंकि इसकी जो एसेट क्वालिटी है वो डिटेरियोरेट हुई है और लो कॉस्ट डिपॉजिट हैं वो भी काफी हद तक इरोड हुए हैं, जिसकी वजह से हमें यहां पर देखने को मिला है कि आज 29% बढ़ने के बावजूद भी 65% डाउन है अपने 52 वीक हाई से। तो ये बहुत बड़ी एक चीज यहां पर निकल के आती है। इंडसइंड बैंक का जो इंटरनेशनल होल्डिंग्स एक कंपनी है, उसने 8 और 9 जून को 5 लाख शेयर सेकेंडरी मार्केट से खरीदे हैं।
और देखिए हैं ये सारी चीजें एज पर द गाइडलाइंस ही, ऐसा नहीं है कि उन्होंने उससे पहले ही कुछ कर लिया। 5 लाख शेयर जो खरीदे हैं वो लिमिट के अंदर ही हैं, लेकिन ये एक स्टेप माना जा रहा है कि इंडसइंड बैंक के अंदर प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग्स बढ़ाना चाह रहे हैं। तो ये एक जो खबर मार्केट के अंदर फ्लोट हुई, जिसकी वजह से हमें ये एक सेंटीमेंटल बेस्ड रैली यहां पर देखने को मिली है एक्सपेक्टेशन के बेसिस पर, कि यहां पर हो सकता है आने वाले टाइम में वापस से एक अट्रैक्शन पैदा हो जाए लोगों के अंदर इंडसइंड बैंक को लेके। तो देखिए एनएससी के ऊपर मैं आपको लेके आया हूं और एक बार दिखाना चाहूंगा कि आज इंडसइंड बैंक निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में से बना रहा, और लगभग 4.5% की तेजी हमें यहां देखने को मिली है, और बहुत जबरदस्त वॉल्यूम्स यहां पर ट्रेडिंग हमें दिखाई दी है इसके अंदर। अभी सारे स्टैट्स दिखाता हूं। हालांकि बाजार आपको पता है कि आज लगभग 2.25% के आसपास गिरकर बंद हुआ है, और निफ्टी 9902 के लेवल्स पे आज ने क्लोजिंग दिखाई है। चौतरफा यहां पर बिकवाली का ही माहौल था, लेकिन केवल इस खबर के चलते यहां पर इंडसइंड बैंक 4.5% की तेजी के साथ में टॉप गेनर ऑफ निफ्टी बना रहा। अब मैं आपको इसके स्टैट्स दिखाता हूं। देखिए आज के अगर डिलीवरी वाइज पोजीशंस आपको दिखाने की कोशिश करूं तो 7,86,70,000 से भी ज्यादा शेयरों के अंदर आज क्वांटिटी ट्रेड हुई है, और डिलीवरी क्वांटिटी में बताऊं तो 82,76,000 से ज्यादा शेयरों में यहाँ पे डिलीवरी हमें उठती हुई दिखाई दी है, जो मात्र 10% होती है उस क्वांटिटी ट्रेडेड के। तो आप देख रहे हैं ट्रेडर्स ने आज यहाँ पर जम के पैसा कमाया, बहुत जबरदस्त यहाँ पर रोटेशंस की गई है। हाई आज 548.50 रुपए का रहा है इंडसइंड बैंक में, जबकि लो रहा है 505.10 रुपए का, और क्लोजिंग होते होते 523.15 रुपए के ऊपर हमें क्लोजिंग दी है इंडसइंड बैंक ने। अभी सीधे आपको इसकी रिटर्न प्रोफाइल दिखाता हूं। देखिए एक दिन के अंदर की बात करेंगे तो लगभग 4.5% की तेजी है, जबकि सेंसेक्स ने 2% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। एक हफ्ते के अंदर 26% की तेजी यहां पर हमें आती हुई दिखाई दे रही है पॉजिटिव, जबकि सेंसेक्स ने लगभग 1.5% की यहां पर नेगेटिव रिटर्न्स दी हैं। एक महीने की बात करूंगा तो देखिए लगभग 21% के यहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न्स इंडसइंड बैंक ने दिए, जबकि सेंसेक्स ने दिए हैं लगभग 6.25% के पॉजिटिव रिटर्न्स। YTD ईयर टिल डेट की बात करूंगा तो अभी इतनी बढ़त के बावजूद भी 65% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर ईयर टिल डेट में दिखाई देती है, जबकि सेंसेक्स में 18.5% से ज्यादा की गिरावट दिखाई देती है। एक साल की बात करूंगा तो देखिए लगभग 67% की यहाँ पर गिरावट है इंडसइंड बैंक में, जबकि सेंसेक्स में 16% की गिरावट। 3 साल की बात करूंगा तो देखिए 3 साल के अंदर इंडसइंड बैंक में वापस से 66% के आसपास की गिरावट है, जबकि सेंसेक्स में है यहां पर लगभग 7.25% की गिरावट। और 10 साल की रिटर्न प्रोफाइल अगर दिखाना चाहूं तो इंडसइंड बैंक के अंदर आपको यहां पर आती हुई दिखाई देगी 10 साल के अंदर 174% के पॉजिटिव रिटर्न्स यहां पर दिए हैं, जबकि सेंसेक्स ने दिए हैं लगभग 97% के पॉजिटिव रिटर्न्स। अब देखिए हम लोग चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और चार्ट्स के ऊपर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आज मैंने वापस से कल के ही वीडियो की तरह वीकली चार्ट्स लगाए हैं, जैसे मैंने कल RBL पे बैंक पे एक वीडियो बनाई थी और वीकली चार्ट्स के ऊपर आपको समझाने की कोशिश करी थी। मैंने यहाँ पे वीकली चार्ट्स लगाए हैं और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस लगाए हैं 9 दिन से लेके और 200 दिन के। देखिए यहाँ पर हर एक कैंडल जो है एक वीक को रिप्रेजेंट कर रही है, एक वीक के अंदर जितने भी ट्रेडिंग सेशंस आते हैं उसको रिप्रेजेंट कर रही है, ना कि एक दिन को। तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊं। देखिए ये है अभी करंट वीक की कैंडल, जो अभी ये कैंडल आप देख रहे हैं ये है करंट वीक की कैंडल, और इस कैंडल ने अगर आप अभी तक की कंडीशन देखें, एक्सपायरी आज हो चुकी है थर्सडे को, केवल एक ट्रेडिंग सेशन और बचा है, और इसने अपने 9 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काट कर ऊपर उसके क्लोजिंग दिखाई है, और आज की तारीख में इसकी क्लोजिंग में देखूं तो इसने अपने 13 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी टच कर लिया है, क्रॉस नहीं किया है केवल टच कर लिया है। और इससे पहले का अगर मैं आपको यहां पर ट्रेडिंग सेशन दिखाऊं तो देखिए कितने हफ्तों से यहां पर ये 9 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी क्रॉस नहीं कर पा रहा था ये बैंक, और इस हफ्ते इसने यहां पर अपने 9 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया है। तो देखिए जो खबर अभी मार्केट में आई है और अभी जो मार्केट का मूड खराब हुआ है और आज बहुत जबरदस्त गिरावट देखी गई है, उसके बावजूद भी इंडसइंड बैंक ने अपना ना कि सिर्फ 9 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है बल्कि 13 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच भी कर चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी ये तेजी यहां पर बरकरार रह सकती है और लोगों का रुझान इसके ऊपर एक खरीदारी का ही यहां पर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। RSI की पोजीशन दिखाऊं तो देखिए RSI की पोजीशन अभी 38 है वीकली चार्ट्स के ऊपर और वो भी प्रोजेक्ट हो रही है ऊपर की तरफ, तो यहां पर भी मैं एक स्ट्रांग सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मोमेंटम हाई है यहां पर, प्राइस को मिल रहा है यहां पर सपोर्ट। तो देखिए इस वीक में अभी रह गया है एक
ट्रेडिंग सेशन यानी कि कल का ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे का जो कि 12 जून 2020 को, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद कल के दिन ये अपने 13 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ही हमें क्लोजिंग देगा इस वीकली कैंडल के ऊपर। देखिए आने वाले टाइम में अगर इसकी टारगेट्स की बात करूं तो मेरे हिसाब से 610 रुपये तक के इसमें टारगेट्स हमें आते हुए दिखाई दे सकते हैं आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस के अंदर, और वहां से हमें देखना होगा कि वो लेवल ये तोड़ पाता है या नहीं, उसके बाद ही हम इसके अंदर आगे यानी कि 21 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ प्रोजेक्ट होते हुए दिखाई देंगे और तभी इसके अंदर लॉन्ग करने की पोजीशंस मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए ट्रेडर्स यहां पर एक पोजीशंस बिल्कुल बना सकते हैं 610 रुपए के टारगेट्स के लिए, लेकिन स्टॉप लॉस बिल्कुल जरूर लगाएं, लेकिन पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए मैं बात बताऊंगा। तो देखिए अभी यहां पर आपको होल्ड रहने की जरूरत है, आप इसके अंदर कोई भी एक्शन ना लें, क्योंकि मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि देखिए कोटक महिंद्रा बैंक को जिस तरीके से स्पेशल केस कंसिडर करते हुए 26% तक का स्टेक रखने की परमिशन मिल गई आरबीआई के थ्रू, वैसा कुछ भी कंसिडरेशन हिंदुजा ग्रुप्स के साथ में नहीं होने वाली है और शायद इनको परमिशन ना मिले। और ये जो इसके अंदर स्पाइक एक हमने देखा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पेकुलेशन बेस्ड है, एक एक्सपेक्टेशन की वजह से है कि हिंदुजा ब्रदर्स को, हिंदुजा प्रोमोटर्स को यहां पर स्टेक बढ़ाने की परमिशन आरबीआई से मिल सकती है। अभी बढ़ाया नहीं है, अभी परमिशन मिली नहीं है, अगर वो डिनाई होती है आरबीआई के थ्रू तो हो सकता है ये गिरावट हमें यहां पर इसके अंदर देखने को मिल जाए वापस से। तो देखिए सब कुछ आरबीआई के हाथों में है, आने वाले दिनों में हमें देखना होगा किस तरीके से आरबीआई इनके केस को कंसीडर करता है, और क्योंकि कंडीशन अभी बहुत खस्ता हाल है बैंक की। मैं आपको बताऊं, जब प्रमोटर्स की होल्डिंग मात्र 15% है और उसमें से भी 26% से ज्यादा के शेयर्स जो है, 26% से ज्यादा का स्टेक जो है वो उन्होंने गिरवी रखा हुआ है, तो मैं यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी सलाह नहीं देना चाहूंगा। तो देखिए जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो बिल्कुल इसके अंदर कोई पोजीशन ना बनाए, उनके लिए सीधी मेरी यही राय है कि वो अभी इस स्टॉक से दूर रहे। हाँ, ट्रेडर्स इसके अंदर जरूर यहां पर एक ट्रेड प्ले कर सकते हैं 610 रुपए के हायर टारगेट्स के लिए, और स्टॉप लॉस भी यहां जरूर लगाएं, और 521 रुपए के आसपास अभी ये ट्रेड हो रहा है, लेकिन 610 रुपए का जो टारगेट है वो एक दिन का नहीं है, और उस टारगेट को हासिल होने में मुझे लगता है कि शायद अभी और 3 से 4 दिन के ट्रेडिंग सेशन यहां पर होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो स्टॉप लॉस के साथ ही कोई भी ट्रेड लें, अदरवाइज कोई ट्रेड ना लें, ऐसा मेरा सजेशन है आपको। तो बेसिकली वीडियो को कर रहा हूं मैं यहीं पर क्लोज। आपको वीडियो कैसा लगा, इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है वो कैसी लगी इंडसइंड बैंक के बारे में, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा, और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बराबर में दिया बेल आइकन भी जरूर दबा दें जिससे आप मेरी कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ, और करेंगे हम लोग वहां पे स्टॉक एनालिसिस। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।